के विधायक महोदय, उदयपुर वाटी की जनता इस बात का जवाब मांगती है कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, पहले ये बताओ। तुम जय श्री राम का नारा लगाने आए थे, पर लोगों को ये पता नहीं था कि तुम इतने बहरूपीय हो कि 5 दिन बाद टोपी लगा के अल्लाह अकबर बोल के तुम नमाज भी पढ़ोगे। हम ये नहीं करने वाले। जो एक दिन हमारे साथ भगवा पहनकर जय श्री राम के नारे लगाता है और दूसरे दिन टोपी पहनकर अल्लाह अकबर करके नमाज पढ़ता है, ये तो राजस्थान की सरकार में प्रतिनिधित्व करने वाले उदयपुर वाटी के जनप्रतिनिधियों का नमूना है। कल कह रहे थे कि भैया भगवान जो हनुमान जयंती निकाली गई, ये तो उन्माद था, ये तो हिंदू मुस्लिम दंगा शुभ कर चौधरी करना चाहता था, ये तो अकर्म की दुकान पे दंगा होने वाला था। अरे दंगाई, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, अकर्म नेकारी, जमीन माफिया, भू माफिया, माइनिंग का पैसा लूटने वाला, सारा का सारा उदयपुर वाटी में दंगा फसाद कराया तो तने कराया है। इससे पहले हनुमान जयंती की रैलियां बहुत बार हमने निकाली हैं, भगवान रैलियां, तुम्हारी उपस्थिति कभी नहीं हुई। पहली बार तुमने वहां सब कुछ ये द्वेषता फैलाने का काम किया, समाज को बांटने का काम किया, पर तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारे जो रक्षक के रूप में 300 पुलिस वाले लगे थे, उन्होंने तुम्हारी औकात बता दी। 50 आदमी लेकर तुम अलग चल रहे थे और 5000 लोगों के साथ में भगवान अली अलग निकल गए। मदन मनकर जैसे लोगों की हत्या तुमने कराई, उसकी कोई चर्चा नहीं। और बजरंग दल के नौजवान साथी जो भगवा पहनकर मात्र राष्ट्रवाद का काम करते हैं, जो सनातन संस्कृति को जिंदा रखने का काम करते हैं, उन पर तुमने लाठियां चलवाई और उनके भुगत में तुम वापिस लेना चाहते हो। कितने दिन तक ये सब करना चाहते हो? ये जनता देख रही है, ये जनता इस बात को कभी माफ करने वाले नहीं कि तुम एक दिन तुमने सोचा 5000 लोगों का नेतृत्व करूंगा, भगवान रैली में रहकर मैं हीरो बन जाऊंगा, पर जनता ने तुम्हारा फैसला कर दिया। जब तुमने देख लिया मेरे पास 85 आदमी बचे, तो तुम कह रहे हो कि भगवान धारी सबसे ध्यान दंगा करने आते थे। कान खोल कर सुन लो राजेंद्र सिंह गुड़ा, तुम्हें नहीं पता है तो तुम्हारा गांव गुड़ा है, तुम तो गांव का नाम सही नहीं बता सकते। जो गांव का नाम झूठ बोलता है वो जनता के साथ न्याय कर सकता है? गुड़ा के रहने वाला अपने आप को गुड़ा का कहता है? ये जनता है, ये जनता है, कभी माफ करने वाले नहीं। ये जो कुछ तुम कर रहे हो इसको कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं। हम इस एक एक बात को जानते हैं, हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, हम राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ जीने वाले लोग हैं, हमें अपने आप को मिटाना भी पड़े, बलिदान भी करना पड़े, तो भी हमारे मुंह से भारत माता की जय ही निकलेगी। हम वंदे मातरम कहने वाले लोग हैं, हम तुम्हारी तरह टोपियां बदल बदल कर, वेश बदल बदल कर बहुरूपीय बनने वाले नहीं। हम सनातन संस्कृति को मानते हैं तो मानते हैं, हम राष्ट्रवाद को मानते हैं तो मानते हैं, हम हरेक व्यक्ति का, हरेक समाज का, हरेक धर्म का उतना सम्मान करते हैं जितना सम्मान अगला हमारे धर्म का करता है। तुम्हारे अनुसार एक दिन भगवान जय श्री राम का नारा लगा के दूसरे दिन तुम हनुमान जी के बारे में सब बोलते हो, तुम सीता माता को गौरत बोलते हो। अरे देवियों को देवी कहना शुरू करो। जिस प्रकार तुम्हें 5 मिनट के लिए भगवान ने सद्बुद्धि दी थी, तुम जय श्री राम का नारा लगाने आए थे, पर लोगों को यह पता नहीं था कि तुम इतने बहरूपीय हो कि 5 दिन बाद टोपी लगा के अल्लाह अकबर बोल के तुम नमाज भी पढ़ोगे। हम ये नहीं करने वाले। हमारी संस्कृति, हमारी सनातनी, हमारा धर्म यही बात का इजाजत नहीं देता। हम मुसलमान का सम्मान करते हैं, हम ईसाई का सम्मान करते हैं, अनेक मजहबों के लोगों का उतना ही सम्मान करते हैं जितना वो हमारा सम्मान करते हैं। हम दूसरे धर्म का उतना ही सम्मान करते हैं जितना वो हमारा सम्मान करता है। हमको होली दीपावली पे शुभकामनाएं देने वाले लोगों को ईद पे भी शुभकामनाएं देते हैं। कोई दिगर इस बात से दिमाग निकाल दे, हम टोपी पहनकर अल्लाह को बोलने अकबर बोलने वाले नहीं। हम तुम्हारे कहने से या वोटों की राजनीति के अंदर पढ़कर ये अपना धर्म और अपनी संस्कृति बदलने वाले लोग हम नहीं हैं। इसलिए विधायक महोदय, उदयपुर वाटी की जनता इस बात का जवाब मांगती है कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, पहले ये बताओ। सिद्ध करो उन सनातनियों के सामने जाकर, सिद्ध करो उन सनातनियों के सामने जाकर। तुमने खुद ने कहा परसों कि मैं उस लड़ाई में शामिल था, मैं वहां इनकी मदद करने के लिए आया। तो आप बताओ इस बात को जनता के बीच में आकर कि जिनकी टोपी पहनकर अकबर कह रहे थे उनके साथ आए थे, जो पुलिस के पत्थर मार रहे थे, जिन्होंने हिंदुओं के लड़कों को मारा, जिन्होंने बजरंग दल के लड़कों को मारा, उनका साथ देने आए थे या बजरंग दल की मदद करने आए थे? बजरंग दल के नौजवानों से, सनातनियों से भी,
राष्ट्रवाद की विचारधारा रखने वाले लोगों से भी कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को समझ जाओ, इनकी खिलाफत करना शुरू करो। गलती है मेरी, उस दिन मैंने कहा अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाता है तो हमारे साथ आ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। हालांकि जनता ने फैसला कर दिया, 50 लोग जो दोगले थे, जिनका कोई चाल नहीं, चरित्र नहीं, जो कभी टोपी पहनते हैं कभी भगवान पहनते हैं, उनको पुलिस ने बाकायदा 50 ने अलग किया और 5000 ने अलग किया। पर 5000 लोग जो सनातन संस्कृति की विचारधारा के लोग थे, उनसे कहना चाहता हूं कि आइंदा भविष्य में ऐसे लोगों से सावधान रहें। ऐसे दोगले लोग, ऐसे बहुरूपीय लोग कभी उदयपुर वाटी के साथ न्याय नहीं कर सकते। इसलिए आने वाले भविष्य में उदयपुर वाटी के साथ न्याय हो, 5 साल लगातार निर्बाध रूप से बिजली आती रही, एक भी दिन आपको धरना देने की जरूरत रही नहीं। जितने लोग इससे पहले उदयपुर वाटी में और गुढ़ागोड़ जी में धरने के नाम से प्रसिद्ध थे, उनकी जाजिमियां 5 साल में नहीं बची। दुर्भाग्य है हमारा कि हमें वापस वही दरी बिछानी पड़ रही है, वही टेंट यहां लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार अनियमितता ही कर रही है। सरकार के पास व्यवस्था नहीं है, हम उसके सहयोग में है, पर आपके पास जो सही व्यवस्था है उसको बांट के लेंगे, किसी के बाप को ज्यादा हमसे लेने नहीं देंगे, हम आपसे कहना चाहते हैं। हमारे बच्चों को भी बिजली उतनी चाहिए जितनी तुम्हारे धरना सेठों को चाहिए, मेरे किसान को भी बिजली उतनी चाहिए जितनी तुम्हारे मंत्रियों को चाहिए, मेरे नौजवानों को भी बिजली उतनी चाहिए जितनी तुम्हारे मोहल्लों में मिलती है। और तुम किसी जाति धर्म और विशेष के बारे में चर्चा करते हो तो उनको भी उतनी देने देंगे जितनी हमारे नवरात्रों के अंदर आप हमको निर्बाध रूप से दोगे। असमानता का अधिकार हिंदुस्तान में चल नहीं सकता। एक दिन भगवा और एक दिन टोपी वाले दूर बहुरूपीय लोग, इस प्रकार के लोग हमारे यहाँ चल नहीं सकते। इसलिए संकल्प लो कि आज के बाद फैक्ट्रियों से अवैध रॉयल्टी लेने वाले लोग, पत्थर माफिया लोग, भू माफिया लोग, खनन माफिया लोग, मंदिर बाप की जमीनों पे कब्जा करने वाले लोग, अत्याचारी, बलात्कारी और इंसानों की हत्याएं करने वाले लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। और हम इन सभी सोचितों की संकल्प लेने के साथ साथ इस विभाग को इस बात से आगाह करना चाहते हैं कि जिस प्रकार आपने सुधारा है, आज सुबह से निर्बाध रूप से आप बिजली दे रहे हैं, आज आपके पास बिजली कैसे आई? थोड़ी सी किसान ने आवाज उठाई तो आपने चुपचाप सेना शुरू कर दिया, कहीं वो दिन नहीं आ जाए कि तुम जहां बैठे हो तुमको निकाल के बाहर फेंकना पड़े। इसलिए बिजली हमारी निर्बाध रूप से बराबर देते रहो, वरना ये काम भी करने में पीछे हटेंगे नहीं।